अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम नाश्ता कर रहे हैं ब्रेड का। दिखाओ मुझे, आपको दिखाऊं? ये मुबशिर है, ठीक है। चलो बिस्मिल्लाह। मुबशिर को आज बड़ी सर्दी लगी, आज मुबशिर ने बड़ी चीज़ें पहनी हुई हैं। बिस्मिल्लाह पड़ा है, ठीक है। और ये जो है वो मेरा अंडा है, और ये मुबशिर का, ये जो धनिया नज़र आ रहा ना, ये इसके काम है। ये मुबशिर साहब ने अपने धनिए को जो है ना, मैंने इसका अंडा बना रही थी तो उसमें ये चीज़ धनिया इस तरह से डाल रहा था। ये इसके फेवरेट को वो क्रंच। और चलें जी बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं। आज मैंने चाय नहीं बनाई, मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय पीने को। मैंने कहा चलो जी आज दूध पी लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं। हमारे ज़्यादा दूध पूछना है, हमारे दस्तरखान पे, हमारे नाश्ते पे आ जाएं जिसने आना है। मेरे कपड़े धोने का अलग पता जाता है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ठंडा है, बस मेरे कपड़े ऑलमोस्ट हो गए हैं, लास्ट है। और इसमें हमेशा जूता धुल रहा होता है, क्योंकि मुबशिर साहब जो है अपना जूता ज़रूर धोता है। बस ये कपड़े मेरे एंड होने वाले हैं। बहुत सर्दी है, मैं सर्दी भी इंजॉय करूँ, प्लस कपड़े भी धो रही थी, कपड़े तो धोने हैं। कोई ना मुझे आ रही, कपड़े हमारे जो हैं फिर से सर्दी में हमारे कपड़े जो है वो डन हो गए हैं। और आप यकीन करें मेरी जो फिंगर है ना, क्योंकि मजबूरी है। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस बताती हूँ कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे ज़्यादा नेमत जो है वो कौन सी अच्छी है? यूँ तो आप जानते हैं यकीनन बहुत सारी नेमतें हैं, सेहत नेमत है, हर चीज़ एक नेमत है हमारे लिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो है ना, वो एक नेक बीवी है। देखो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ भी तो कह सकते थे कि नेक माँ, नेक भाई, नेक औलाद, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक बीवी का कहा है। मैं यहाँ हरगिज़ ये नहीं कहने की कोशिश कर रही कि आप अपने माँ बाप की कदर ना करो, बीवी बच्चों, बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनकी कोई कदर नहीं है, सबकी कदर है। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किस नेमत की कदर करनी चाहिए, यानी कौन सी नेमत सबसे अच्छी है। तो सबसे अच्छी जो नेमत है अल्लाह ताला ने आपको दी है वो है एक नेक बीवी। तो आप प्लीज़ उनकी कदर किया करें। और अगर आप देखें कि जब दुनिया बनी तो सबसे पहले कौन सा रिश्ता आया? माँ और बेटे का नहीं आया, बाप और बेटे का नहीं आया, मियाँ बीवी का रिश्ता आया, ठीक है ना। और कयामत में भी मियाँ बीवी ही इकट्ठे रहेंगे। बेशक हर रिश्ते की अपनी जगह है, माँ का जो मकाम है वो किसी और का हो ही नहीं सकता, लेकिन मियाँ बीवी का भी रिश्ता बहुत प्यारा है। प्लीज़ अपनी बीवी की जो है ना, सब इज्जत किया करें, बीवी को एक बहुत ही अच्छा मकाम देना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर जी मैं एक मार्केट आई हुई थी और ये देखिए ये गाने का सामान था, यानी कि सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है। और ये जो है घर में भतीजी है, उसके स्कूल में ये प्रोजेक्ट था। ये जो है ब्यूटी बॉक्स, मतलब या फिर ब्यूटी बॉक्स ही कह सकते हैं, ये जो है उसको प्रोजेक्ट मिला था कि आपने बना के आना है। तो इसने फॉर्मिक शीट से देखें कितना ज़बरदस्त बना लिया, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बनाया है, खुद बना लिया माशाल्लाह, काफ़ी इंटेलिजेंट है मेरी भतीजी ना, छोटी सी एज में ना माशाल्लाह उसको बहुत शौक है, बहुत कुछ लगी ही रहती है। तो ये मैं जो मार्केट में आई थी और मेरे फेवरेट पकोड़े, खैर मैंने यहाँ कभी खाए नहीं पर मुझे इनका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ यार बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, आपको पता है उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है ये जो बाहर चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, मैंने इनका जो ऑयल का कलर देखा है ना, तो आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो ऑयल का कलर होता है ना वो कैसा होता है। सॉरी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत शदीद वाली खांसी है आज। तो खैर मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैंने हस्बैंड से कहा है कि आज तो मुझे चाय भी आप बना दें, जो मैंने सुबह सुबह सर्दी में आज कपड़े धोए हैं ना, तो बस मेरी तो आज वाट लगी हुई है और मैं सुबह से अब हीटर के ही आगे बैठी हुई हूँ। कल से आप कह रहे थे मम्मा कस्टर्ड बना दो, मम्मा कस्टर्ड बना दो, फिर मम्मा ने बना दिया आपको। आज इतनी सर्दी है ना मुबशिर, मेरी जो फिंगर्स है ना हैंड के ऐसे लगता है फुल बर्फ है, पाँव की भी बर्फ है। सर्दी के लिए ना ये कस्टर्ड बहुत सुन्नत है। सुन्नत है बेटा, ताकत है, सुन्नत नहीं है, पर सर्दी वाकई बहुत ज्यादा है। मौसम बादल, ठंडी बर्फ, यख हवाएं हैं, मुँह तोड़ने वाली हवाएं हैं, पर मैं सर्दी को अच्छा इंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द ये सर्दियाँ जाने वाली हैं और गर्मियाँ हमें सीधा करेंगी और फिर हम रोते रहेंगे हाय गर्मी हाय गर्मी। तो सर्दी को अच्छे से इंजॉय करें, ठीक है, बहुत सर्दी है। तो कभी कभी जो है ना ये ग्रीनरी जो है ना, मतलब हरियाली या यूँ समझे कि गाँव के माहौल को देख के ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं जो है ना मोस्टली ऐसे हमारे घर के पास जो गांव खेत खलियान वगैरह है ना, तो मैं यहाँ पर भी अक्सर चली जाती हूँ। ऐसे मैं कहती हूँ चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी, क्लिप भी ले लूँगी, और मुझे देखने में भी बहुत अच्छा फील होता है। पता है क्या, सांस बहुत अच्छी आती है। आप कभी जाके देखें ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर वहाँ पर ये जो फ्रूट्स या फिर सब्जियाँ लगी हुई होती हैं, तो वो मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह की नेमतें देखना बड़ी अच्छी लगती है कि देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है कि ज़मीन के नीचे चाहे वो स्वीट पोटैटो है, आलू हैं, गोभी, जो भी मूली या गाजर जो भी हैं, देखिए अल्लाह ताला ने कैसे उनको ज़मीन के नीचे, मतलब हमारे लिए अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें बनाई हैं कि हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें, जितना भी शुक्रिया अदा करें, उसकी नेमतों का हम कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अच्छी और लंबी सेहत अता फरमाए, नेक बनाए, और हमारी औलाद को नेक बनाए, और हमारी आँखों की ठंडक बनाए कि यानी वो नेक बनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो हमें कितनी खुशी होगी। मेरी भतीजी जो है वो छोटी सी, आई थिंक शी इज़ इन 7th क्लास, तो वो जो है यहाँ बना रही थी ब्राउनीज। तो मुझे उसने कहा कि आंटी आप क्लिप लेना चाहें तो ले सकती हैं, क्योंकि सबको तो पता है मैं बनाती रहती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि चले बनाएं। वैसे यकीन करें मैं हैरान हो गई, वो इतनी छोटी सी है, माशाल्लाह वो केक भी इतने टेस्टी बना लेती है, चाय बहुत अच्छी बनाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुगर बच्ची आप कह सकते हैं। उसका केक भी मेरे ख्याल में, मैं लास्ट जो मैंने बर्थडे दिखाई थी, एक याशी की बर्थडे होगी मैंने दिखाई है, उसमें वो जो एक घर वाला केक था वो इसी बच्ची ने बनाया है। अब 6-7 की बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ बना लें, तो इट्स अमेजिंग माशाल्लाह। आप इसके हाथ की चाय पियेंगे कहेंगे वाह यार इतनी छोटी बच्ची, तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ये माँ बाप की होती है तरबियत कि वो बच्चों में क्या मतलब जो है बच्चों को सिखा रहे हैं। ना सिर्फ वो खाने अच्छे बनाती है, अखलाक भी इसका बहुत अच्छा है। तो जो बच्चे अखलाक के भी अच्छे होते हैं, कुकिंग चीज़ों में भी अच्छे होते हैं, तो बंदा कितना खुश होता है और उनकी कितनी तारीफ़ें करते हैं। अब देखिए मैं ब्लॉग में उसके लिए दिल से उसकी जो तारीफ़ें कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये ब्राउनीज़ मुझे उसने कहा कि आंटी आप टेस्ट करें, यकीन करें माशाल्लाह जस्ट वाओ, इतना ज़बरदस्त और इतना सॉफ्ट, और यकीन करें मुझे खा के ना चस आ गई। वो कहते हैं ना चस आ गई, अमल गुड जॉब, यू डू अ गुड जॉब, यकीन करो बहुत टेस्टी था, मुझे ना बहुत मज़ा आया खा के ना। बल्कि मैं आपसे रेसिपी भी पूछने वाली हूँ नेक्स्ट, मैं आप वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी अमल, इंशाल्लाह।